अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकारों के कार्यकाल में जो भी यहां से कांग्रेस के सांसद रहे हैं उन्होंने एक भी विकास कार्य हमीरपुर क्षेत्र के लिए नहीं करवाया, जबकि उन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए विकास के लिए जी तोड़ मेहनत की है और उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिला बिलासपुर के लिए स्वीकृत करवाए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एम्स का प्रोजेक्ट है। इसको लेकर 2000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च होगा और हॉस्पिटल बनने के बाद श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए और जिला बिलासपुर के लोगों के लिए यहाँ पर रोजगार के साधन भी मिलेंगे, वहीं उन्हें बेहतर सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और बिलासपुर रेलवे लाइन का कार्य शुरू करवाया है और इसके लिए 400 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए हैं, जबकि बिलासपुर फोर लेन का कार्य भी उन्हीं किस्मे में स्वीकृत हुआ है। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य अध्याय बिलासपुर का विकास करवाना है, क्षेत्र का विकास करना है और इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस अवसर पर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने भी भाजपा के द्वारा बिलासपुर और श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए कार्यों पर चर्चा की। स्कूलों के लिए करोड़ों रूपए दिलाया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और सेंट्रल रोड फंड से सैकड़ों करोड़ रूपए की सड़कें हमने इस विधानसभा क्षेत्र के मंजूर करवाई, लेकिन जो हजारों करोड़ रूपए के प्रोजेक्ट, ये फोर लेन प्रोजेक्ट कीरतपुर से बिलासपुर का जो है, इसमें 2100 करोड़ रूपया खर्च हो रहा है। ये आज से 5 वर्ष पहले नहीं था, इसकी मंजूरी करवाई। रेलवे लाइन 70 सालों में नेता कहते रहे करवाई किसी ने नहीं, मैंने रेलवे लाइन मंजूर भी करा दी और 400 करोड़ रुपया दिला के उसका काम भी शुरू करवा दिया है।